नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत। और बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर, रांची से एक बड़ी खबर से करते बुलेटिन की शुरुआत। पिता ने बेटी की हत्या की, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। पिता ने बेटे की हत्या की है, रातू थाना क्षेत्र की यह घटना है। मामले की जांच में पुलिस जुटी है। हत्या की वारदात के बाद से आरोपी पिता फरार चल रहा है। नशे में धुत होकर आरोपी पिता ने अपनी पत्नी के साथ भी मारपीट की और विरोध करने पर बेटे की हत्या कर डाली और इसके बाद फरार हो गया है। ये बहुत बड़ी खबर है और आपने अपने आप में एक शर्मसार करने वाली घटना है। रिश्तों का कत्ल कैसे होता है, जिस बेटे के लिए पिता दिन रात एक करता है कि उसको अच्छी परवरिश दे, उसे बेहतर जिंदगी दे, उसी की जिंदगी उसने कैसे अपने हाथों से छीनी है। और इमरान इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। इमरान, पूरा मामला क्या है, जानना चाहेंगे किस तरीके से ये सब कुछ हुआ। देखिए, ये पूरी जो घटना है वो शुक्रवार रात की है, जब एक पिता अपने घर पर उसकी माँ के साथ मारपीट कर रहा था। मारपीट करने के दौरान घरेलू हिंसा हुई और जिसके दौरान बेटे घर पर ही मौजूद थे। बेटे ने अपने पिता के जो हरकत थी उस पर लगाम लगाने की कोशिश की, उसे बीच बचाव किया, तो पिता ने अपने बेटे के को जम करके पिटाई कर दी, जिसमें वह बुरी तरीके से घायल हो गया और घर पर ही उन्होंने अपनी दम तोड़ दी। घटना के बाद पूरे मामले की जानकारी जो आरोपी व्यक्ति है उसकी पत्नी ने आसपास के लोगों को दी और उसके बाद वो जैसे ही आसपास के लोग पहुंचे, पिता जो है घर से फरार होने में सफल रहा। हालांकि घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने रातू थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर के मामले की तफ्तीश में जुट गई है। वहीं आरोपी पिता की तलाश भी की जा रही है कि किन जगहों पर वो फरार हो गया है। चूंकि घटना को लेकर के रातू थाने में प्राथमिकी दर्ज भी की जा रही है, प्राथमिकी दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार भी किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से नशे में धुत होकर के अक्सर व्यक्ति जो है अपने घर पे आया करता था और जमकर उत्पाद मचाता था, मारपीट किया करता था, इसी का विरोध उनके जो बेटे हैं उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया और ऐसे करने से मना करने पर ये पूरी घटना जो है वो हो गई, जिसके बाद बेटे की मौत हो गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए रांची के रिम्स भेज दिया गया है। बाकी मामले में लिखित शिकायत के आधार पर और पुलिस के शिकायत के आधार पर पूरे मामले की कार्रवाई जो है वो रातू थाने की पुलिस कर रही है। पूरे शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए रांची रिम्स भेजा गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया इमरान, इस खबर पर जुड़े आप, पूरी जानकारी आपने दी। तो निश्चित तौर पर ऐसे हत्यारे पिता पर कार्रवाई होनी ही चाहिए जिसने अपने ही बेटे की हत्या की हो। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।